अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। इसमें तुम्हारे लिए एक खास तोहफा है फरसंद। जब कभी अपने आप को बेबस महसूस करना, ये उस वक्त तुम्हारे मकसद की तकमील के लिए तुम्हारी मदद करेगा। ये इत्तेहाद सिर्फ मंगोलों के खिलाफ नहीं बल्कि सलीबी फौजों के खिलाफ भी खुलेआम ऐलान जंग है। ये मुसलमान अगर एक बार भी गलती से मुत्तहिद हो गए तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा। सलीबियों को पसपा करने पर तुम्हारी और तुम्हारे बेटों की हर तरफ धूम मची हुई है। उनको अब दोबारा अपना लश्कर मुनज्जम करने के लिए सदियों तक सोचना पड़ेगा। हमारा तैयार करदा सामान हमारी जरूरत के मुताबिक नहीं। हमें ये बात समझना होगी कि सुलेमान शाह हमें जो हदफ देकर गए हैं उसे हमें हर सूरत वक्त पर पूरा करना होगा। ये तुम ही हो जिसने हमें बताया कि कबीले की हयात में सिर्फ खाना बदोशी नहीं है। मेरे जाने के बाद तुम्हारे कंधों पर होगी कबीले की जिम्मेदारी। बाबा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम सुलेमान शाह के सपूत अर्तुरुल, बैठो। आपने बुलाया था मुझे? हाँ बिल्कुल बुलाया था। हम देखना चाहते थे वो चेहरा जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है और उस चेहरे के पीछे छुपी हुई जहानत को परखना चाहते थे। मैं सुन रहा हूं। तुमने बहुत सी जंगें लड़ी हैं, बहुत से तूफानों का सामना किया है, दुश्मन भी बनाए, दुनिया भी देखी, तो फिर बताओ तुम्हारी बसीरत दुनिया के बारे में क्या है? दुनिया अफरा तफरी में मुब्तिला है। एक जानिब सलीबी है, दूसरी जानिब मंगोल और तीसरी जानिब हम हैं जो अनातोलिया को फतह करने के ख्वाहिशमंद हैं। और सब ये जानते हैं कि अनातोलिया पर हुकूमत करना दुनिया पर हुकूमत करने के मुतरादिफ है। तो फिर तुम्हारे ख्याल में कौन फाते होगा? सलीबी बहुत बड़ी ताकत के साथ आए हैं यहां। जब पहली बार आए थे तो मकसद कुद्स को फतह करना था, लेकिन हर बार अपना मकसद फरामोश करके वो माल लूटने में लग जाते हैं। रहे मंगोल, वो भी अनातोलिया जाते हैं। भूखी लोमड़ी की तरह रेवड़ पर हमला तो करते हैं लेकिन शिकमसेर होकर वापस रवाना हो जाते हैं। ठीक है, और हमारे बारे में क्या कहते हो तुम? पहली बार जब हम अनातोलिया आए थे तो तुगरुल और चारी सरदारों के साथ आए थे। उसके बाद सुल्तान अरसलान ने मंजिकर्द की जंग करके हम पर दरवाजे खोल दिए, लेकिन हम इत्तेहाद खो बैठे। अगर हम मुत्तहिद हो जाएं, अदालती निजाम बेहतर कर लें, अनातोलिया दोबारा हमारा होगा। तो फिर तुम अगर चाहते हो कि अनातोलिया हमारा वतन बने
तुम्हें मेरी बातें गौर से सुननी है और बगैर हुज्जत के हम जो तजावीज बताएंगे उन पर तुम्हें अमल करना होगा। मुझे अब कोई बात आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जब तक जिंदा हूं इस मकसद की तकमील में मेरी तलवार नयाम में नहीं रहेगी। अब इंशाअल्लाह यह दुनिया देखेगी कि अनातोलिया में हक का बोलबाला होगा। गोपजी, मैं खाना लाई हूं तुम्हारे लिए। कोई दुख पहुंचाए मेरी किसी बात से तुम्हें? बाजी हमेशा दूर की सोचती हैं और उनकी बात ठीक निकली। अर्थरुल, जब से तुम्हें सलीबियों से बचाकर हमारे कबीले लेकर आए हैं, यहां कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। उसके बाद से ठीक कहती थी। अगर तुम इस कबीले में ना आती तो मेरी बहन के साथ ये सब ना होता। हलीमा, क्या आप भी अर्थरुल को इल्जाम दोगी? गोगजी, मैं तो समझी थी कि तुम सब कुछ भूल चुकी होगी। भूल चुकी हूं, मगर उन्हें अपने दिल से निकालना कोई आसान काम नहीं है मेरे लिए। मैं सिर्फ अर्थरुल की खुशी की खातिर पीछे हटी हूं और मैं उम्मीद करती हूं तुमसे कि तुम अर्थरुल को हर वो खुशी दोगी जिसके वो हकदार है। चलती हूं। आप ठीक तो हैं वालिदा? इंशाल्लाह सब खैरियतों की बेटी। एक बुरा ख्वाब देखा था, ठीक हूं मैं। सब ठीक होगा इंशाल्लाह। आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए। हाँ। ये लीजिए वालिदा। लाइए।
दो दिनों से यही ख्वाब देख रही हूं मैं। एक दरिया है, बहुत तेजी से बह रहा है, लेकिन लेकिन क्या वालिदा? लेकिन सुलेमान, टाइटूस अंदर जाना बहुत मुश्किल है। और बावर्ची खाने से? वहां से भी अंदर जाना नामुमकिन है, और जिस खाने में हमने जहर मिलाया था वो खाना भी उन्होंने फेंक दिया। कुरकुत ने अपने कबीले से दोबारा बावर्ची बुलाए खाना बनाने के लिए। लेकिन हम अंदर की खबरों से तो बाखबर रह सकते हैं ना? बेफिक्र रहें, मेरे आदमी अंदर की सारी खबरें पहुंचाएंगे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम मंगोलों से जंग के लिए तैयारी करें? हम मुट्ठी भर लोग क्या कर सकेंगे? क्या अलाउद्दीन की सल्तनत बचाने के लिए हमें कुर्बान करना चाहते हैं? उवस के लोगों के लिए हमेशा सुल्तान अलाउद्दीन ने दरवाजे कुशादा रखे हैं। माजी में होने वाली नाइतफाकियों को सुलझा लिया गया है। किस बुनियाद पे? अब तक हमारा बहुत खून बहाया जा चुका है। सुल्तान अलाउद्दीन तख्त नशीन रहते हैं या नहीं कौन जानता है? क्या पता पिछले सुल्तान की तरह नया सुल्तान भी हमारे साथ यही सलूक रखे। हयात भाई दुरुस्त कह रहे हैं, हर मुश्किल का सामना हम कबीले वालों को ही करना पड़ता है। हम अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ते हैं, लेकिन बुरे वक्त में कोई खड़ा नहीं होता हमारे साथ। दुरुस्त कहा, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक। हर बार हम इस्तेमाल होते हैं। मुअज़्ज़िज़ीन, मैं आपकी बातों से इत्तेफाक करता हूं। हम खाना बदोशों की नाकदरी की गई, अय्यूबियों समेत हर किसी ने हमें हकीर जाना, हमारा इस्तेहसाल किया गया। लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन मुख्तलिफ है। जैसे कहा गया कि उनके दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले। कबीले के सरदारों आपकी बहादुरी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हम में से कोई ऐसा नहीं जो ना जानता हो कि सलीबियों के खिलाफ जंग में हमारे कितने सिपाहियों ने जामे शहादत नोश किया। बहुत कुछ सीखा है हमने जंग से। हम सब जानना चाहेंगे कि आपने इस जंग से क्या सीखा अर्तुरुल भाई। हम में मौजूद गद्दारों ने हमें नुकसान पहुंचाया। मैं चाहता हूं कि हम वो छोटे छोटे चूहे न बने जो सुल्तान के लगाए गए इस दरख्त को कुतर कुतर कर खोखला कर दें। अगर ये दरख्त गिर गया तो इसके नीचे हम भी दफन हो जाएंगे। उतुकान से जो हम लोगों का सफर शुरू हुआ था वो इन खूबसूरत खित्तों पर खत्म होगा। मौज़ज़ीन, इस सूरत हाल में जबकि मंगोल मशरक की जानिब से और सलीबी मगरब की तरफ से पेशकदमी कर रहे हैं, हमें अहमद यसवी के मुकद्दस परचम तले हर सूरत मुत्तहिद होना होगा। अगर आज हम सब ने इत्तेहाद ना किया तो हम अपने मुश्तरका मकासिद जो उत्कन से शुरू हुए और यसवी का विरसा दोनों से हाथ धो बैठेंगे। मेरी अल्लाह से दुआ है कि हमें नबी अकरम का भरोसा तोड़ने से महफूज रखे। ओस के अजीम सरदारों, इस मुबारक मकसद के लिए हम सबको आज एक होने का अहद करना होगा। आलम इस्लाम इंतशार का शिकार है, लेकिन हमारा इत्तेहाद जो शमा जलाएगा उससे पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी।
और एक नई तुर्क सल्तनत का सूरज तलू होगा। और अब मैं कहूंगा कि हम सबको मुत्तहिद होना होगा और अनातोलिया को अपना दारुल खिलाफा बनाना होगा। तो आप सब रजामंद हैं इस इत्तेहाद पर? सरदार सुलेमान शाह, आपका यह कारनामा सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। एक बार फिर हम आग में कूदने जा रहे हैं। यह नामुराद हमें जाल में फंसाता आया है और अब इस बदबख्त की बारी है जाल में फंसने की। या अल्लाह, सिर्फ तू ही बेहतरीन असबाब पैदा करने वाला है। आ जाओ। मैं जानता हूं कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है बाबा, लेकिन क्या यह मुनासिब होगा कि मंगोलों से लड़ने के लिए हम अपनी तलवारें निकाल लें? आप इत्तेहाद की बात करते हैं, अगर यह इत्तेहाद ही ना रहा तो सोचें जरा, हम अकेले क्या कर सकेंगे? मेरे खदशात भी वही हैं जो तुम्हारे हैं बेटा, लेकिन काई कबीले की तकदीर का फैसला हो चुका है। हमारी मंजिल अनातोलिया है और वापसी की कोई सूरत नहीं। अल्लाह हमारी मदद करे और सीधा रास्ता दिखाए। इंशाल्लाह भाई। सरदार, भाई आपका अंदाजा सही था, टाइटस यही है। वो अपने बेहतरीन सिपाहियों के साथ कारवान सराय पहुंचा है, उसका ठिकाना मालूम कर लिया है।
आखिर हो ही क्या सामना? औरतों और बच्चों पर बहादुरी दिखाने वाले को देखूंगा आज, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं जो पूरी दुनिया से तन्हा लड़ने चला। हक और सच के रास्ते पर जो चलता है उसे तन्हा होने से फर्क नहीं पड़ता टाइटस, मगर तुम्हारे जैसे शैतान और दरिंदा सिफत ये नहीं समझ सकते। तुम्हारा ये निजाम जिसे तुमने धोखे और मक्कारी से खड़ा किया हुआ है, मैं और मेरी नस्लें मिटा देंगी इसे। हमारा भी यही इरादा है, तुम्हें उसी जहन्नुम भेजेंगे जहां से तुम आए हो। हमें अल्लाह ने भेजा है, उसी की तरफ लौटेंगे, मगर तुम्हें आज जरूर जहन्नुम भेज दूंगा मैं। अभी हो जाएगा इसका फैसला। मुझे मार दो तुर्क,
तुम्हारी मौत मेरे भाई के हाथों है। फतह खुदावंद कुद्स की होगी। कोई शक नहीं तुम्हारी इस बात में, अल्हम्दुलिल्लाह। जाना होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब हम मजीद अपने प्यारों को इंतजार नहीं करवा सकते। तुम्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि तुम एक नई नवेली दुल्हन हो हलीमा सुल्तान। खैरियत है, क्यों इतनी अफसरदा हो? गोप जी, क्या हुआ है बताओ मुझे। उसकी जुबान पर अर्तुरुल का नाम है। और उसके दिल में क्या है? उसके दिल का दर्द उसकी जुबान पर है। मालूम नहीं ये सब कब खत्म होगा। किस अर्तुरुल को अब वो अपना भाई मानती है, लेकिन वो बहुत जल्द संभल जाएगी। परेशान मत हो, उसे ये सब भुलाने में कुछ वक्त तो लगेगा ना। वो बहुत गर्व से गुजरी है और अब सलजान की ये हालत। अब आखिर किस तरह अपने दिल का बोझ हल्का करे वो? नजरअंदाज कर दो उसे, अपने आप ही ठीक हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूंगी आइकिस? करीब रहते हुए मैं उससे कैसे नजरें मिला पाऊंगी? अल्लाह ने के बान सरदार। शुक्रिया अफसर। जैसे ही कबीले के खैमे नस्ब होना शुरू होंगे मैं वहां पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। अफसन भाई, कुछ पूछना चाहता हूं आपसे। हाँ पूछो, कह दो जो अपने दिल में बहुत दिनों से दबाए बैठे हो। शहजादा यिगित के वालिद, उनको आपने मारा है? बमसी, माफी चाहता हूं भाई,
मैं फिर अपनी जबान पे काबू नहीं रख सका। हम सबके अपने अपने फराइज होते हैं, अल्लाह हमें हमारे नए फराइज में कामयाब फरमाए। दुआ है कि अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो लोग हमेशा हक का साथ देते हैं। अल्लाह निगेबान। बाबा, 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 आप कहें तो आज रात कारवां सराय में रुक जाते हैं, कल रवाना हो जाएंगे। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ बेटा। बहुत कुछ करना है कबीले में, और फिर हमें मौसम सरमा से पहले हिजरत भी करनी है। सब लोग उन्हें कोरकुत अता कहते थे, वो हयात कबीले से थे। वो कहा करते थे कि जो शख्स तलवार नहीं उठाएगा और काफिरों का खून नहीं बहाएगा उसे कोई नाम नहीं दिया जाएगा और वो कभी सरदार भी नहीं बन पाएगा। क्या वाकई? जब लड़के घुड़सवारी करते, तलवार चलाते और तीरंदाजी करते और तुम्हारी तरह बहादुर बन जाते तो फिर उन्हें जंगी मशकों के लिए भेज दिया जाता था। सुलेमान शाह के मुताबिक क्या हम इन जंगी मशकों के लिए तैयार हो चुके हैं? तुम बिल्कुल तैयार हो, तुमने तो हमें सलीबियों के किले का रास्ता भी बताया था। हलब में दुश्मन के खिलाफ डटे रहे थे, क्या उनकी धमकियों से खौफ से दना होकर तुमने अपने आबाओ अजदाद का दिफा नहीं किया था? और दुनदार भी उस बुजदिल टाइटस के सामने कैसे बहादुरी से खड़ा रहा, अपने कबीले को, अपने बाबा को और अपने खानदान को कैसे उससे बचाया? अगर तुम ना होते तो कुर्दोगलो उसके साथ मिलकर तुम्हारे बाबा और भाइयों को मार डालता। मैंने तो कुछ नहीं किया था मेरे उस्ताद, मैं तो बस दुनदार। एक अच्छे सिपाही की खासियत उसकी आजजी होती है और माशाल्लाह तुम दोनों में ये खासियत मौजूद है, आजजी, ईमानदारी, मेहमान नवाजी। एक सिपाही में होना बहुत जरूरी है और कभी तकबर नहीं होना चाहिए सिपाही में, कभी अपने आप को बर्तर मत समझना। एक अच्छा सिपाही तलवार से ज्यादा दिमाग की ताकत पर यकीन रखता है, दुश्मन पर तरस नहीं खाता कभी। और जो शख्स दौलत के पीछे भागता हो वो भी कभी सच्चा सिपाही नहीं बन सकता। एक सच्चे जंगजू में ही ये सलाहियत होती है कि वो अरबी घोड़े को भी सुधा सकता है, शमशीर की काट साहिब शमशीर का तारुफ कराती है। एक सच्चा सिपाही सखी होता है और वो कभी गलत बयानी नहीं करता, सिर्फ जंग लड़ना और खून बहाना एक जंगजू के लिए काफी नहीं, बल्कि कोई ना कोई हुनर भी आना चाहिए। एक सिपाही के लिए यह बहुत जरूरी होता है, सिपाही में कोई ना कोई काबिलियत होनी चाहिए। एक जंगजू की तलवार भी उतनी ही खूबसूरत होनी चाहिए जितना वो अपने हुनर में माहिर है।
ये तलवारें मैं तुम दोनों के लिए बना रहा हूं, जैसी सुलेमान शाह गुंतुक्तु और अर्तुरुल के लिए बनाई थी। सुलेमान शाह कहां गए हुए हैं दमीर चाचा? मंगोल सालों से हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमारे पास उनसे बचने के लिए अब कोई जगह नहीं। सुलेमान शाह तमाम कबाइल को यकजा करने गए ताकि मंगोलों का खात्मा किया जाए। या तो हम जंग जीत कर आजादी हासिल करेंगे या मौत को गले लगाएंगे, और रास्ता नहीं कोई। उन लोगों के जाने की यही वजह है? बिल्कुल बेटा, अल्लाह कामयाब करे उनको। आमीन। क्या ख्याल है बाबा, यहाँ रुककर थोड़ा आराम न कर लिया जाए? अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूं मैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा, आप अब भी हम सबको चारों शाने चित कर सकते हैं। भाई घोड़ों की वजह से कह रहे हैं। पहले हम उस तरफ जाकर अतराफ का जायजा लेते हैं। संभल के। शुक्रगुजार हूं यार कि अपनी कुदरत को देखने का मौका दिया तूने, अपनी तखलीक से फैजयाब किया और नेमतों से नवाजा। या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है कि तूने मुझे सिराते मुस्तकिम पर कायम रखा और एहसान किया कि बहादुर फर्जंद अता किए मुझे। बहुत शुक्र है तेरा मालिक, मुझे समझदार शरीक हयात अता की। उसने मेरी औलाद की तरबियत में कभी कोई कमी नहीं होने दी। तेरा बहुत शुक्रगुजार हूं। बाबा, 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 बाबा,
बाबा, बाबा, बाबा। मेरे बाबा, क्या हुआ बाबा को? मेरे बाबा कहाँ हैं भाई? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस फानी दुनिया में जब तक हम जिंदा रहें, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करें और जुल्म का खात्मा कर दें।